नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर दो देवता फील्ड वास करती हैं आउट ऑफ पैरिफे के अंदर अब ये कैसे होता है क्या चक्कर होता है इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में करेंगे आप सिर्फ ये अभी के लिए ये समझना कि नॉर्थ ईस्ट में दो देवता फील्ड पे बात कर रहे हैं हम एक है दिति नॉर्थ ईस्ट हर एक को पता है एनीबडी हु डोंट अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट नो बडी एवरीबडी अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट ये तो आसान सी बात हुई पहली बात अभी हम नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ दो देवता फील्ड ले रहे हैं क्यों हम देवता फील्ड में बार बार मैं बोल रहा हूं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काम करने के लिए उसकी फाउंडेशन पे काम करना जरूरी है और उसकी फाउंडेशन दो देवता फील्ड है आउट ऑफ की वो है दीति एंड शिखी दीति दीति को असुरों की माता बोला गया बस दीति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी थी उनको माना गया है टू एक्सप्रेस टू सी दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि लिबरल थिंकिंग बहुत पावरफुल मानी की so, दीती की सो दीति देवता फील्ड को इस चीज से रिलेट करेंगे दीति देवता फील्ड की जो विजनरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है अब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा ये निकालेंगे हम ग्रेडिंग के माध्यम से अभी के लिए जहां पे आपको लगता है वहां माने और नहीं नजर आता कहीं पे भी तो छोड़ दे सिर्फ रिलेट करें डेट्स इट निकलेगा कैसे और कहां पे होगा ये हम पहली क्लास से शुरू कर देंगे दीती की देवता फील्ड इज ए स्ट्रॉन्ग विजरी पावर एंड स्ट्रांग पावरफुल फील्ड असुर की बाता दीती बाइक किसका खुला हुआ है उमेश जी उमेश जी है माइक ऑफ रखेंगे प्लीज कृपया करके आप लोग दीति इसकी देवता फील्ड के पास वो पावर है विच कैन सी द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ अगर दीति की देवता फील्ड अगर बैलेंस है किसी बिल्डिंग की या किसी भवन की किसी दफ्तर की किसी संस्था की तो वहां पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत क्लियर होती है ड्यूल माइंडेड नहीं होती मे बी मे नॉट बी हां ना मे बी वो वाला सिस्टम नहीं होता दे नो वट इज द पर्पस दे नो वट दे वॉन्ट दे नो वट शुड दे डू फॉर डैट रिक्वायरमेंट दे आर नॉट एक्सक्यूज लिस्ट दे आर क्लियर माइंड दी को अपना पर्पस पता है कि क्या अचीव करना है और ये लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते ये ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो नहीं करते इसलिए इस बिल्डिंग में जो बच्चे पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट उन बच्चों की कैपेबिलिटी टू से नो अ वेरी हाई क्योंकि उनको पता कि व्हाट इज यस फॉर देम एंड व्हाट इज नो फॉर देम एंड इट इज इन इमें देवताफी कंफ्यूजन की तरफ ले जाती है पावर ऑफ दिस कंफ्यूजन ऑफ माइंड इंसान को अपने आप ही विजुलाइज करने में रिलेट करने में सिचुएशन को समझने में सिचुएशन तक जाने में उस पर डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है और बहुत दिमाग पक जाता है इंसान का दिमाग कंफ्यूज स्टेट में रहता है समझ नहीं पाता कि क्या मैं कर रहा हूं क्या मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं और दूसरों के पास भागता फिरता है कि मेरी सहायता करो द्विती की देवता फील्ड इज ए वेरी क्लियर देवता फील्ड फॉर डिवाइडिंग कटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग स्प्लिटिंग इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया देवता फील्ड सूत्रधार में इसको भगवान शंकर के त्रिशूल से रिलेट किया क्योंकि पिन पॉइंटेड है बहुत शार्प है है दिस बट इन दिस देवता फील्ड इट इज यस और नो नो इफ बट और द्वितीय की देवता फील्ड को जो झंडे पे बना हुआ बैल बुल जो होता है उससे रिलेट किया गया है क्योंकि ये डायरेक्शन बुल, बुल बैल कैसे भागता है वो जो झंडे में बला हुआ बैल को जब एक डायरेक्शन मिल जाती है ना तो आंख बंद करके भागता है उस डायरेक्शन में टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेट दैट इज हाउ दिति वर्क एंड दैट इज हाउ द त्रिशूल वर्क भगवान शंकर का जब त्रिशूल जाएगा तो स्टेट जाएगा टारगेट को भेजेगा जाके दिति को पृथ्वी माता के नाम से भी दर्शाया गया है और इज दी वन ऑफ दी सिक्सटीन डॉटर ऑफ दक्ष प्रजापति दक्ष पता प्रजापति की सोलह पुत्रियां थी जिनमें से एक पुत्री का नाम दि मारा गया है और दिति जो है संत ऋषि मुनि कश्यप की एक वाइफ थी तेरा वाइफ में से <laughs> कश्यप मुनि की तेरा वाइफों में से एक वाइफ थी और दि के दो पुत्र हुए थे एक फेमस पुत्र जो बता रहा हूं जिसके और भी बहुत पुत्र हैं लेकिन जो फेमस पुत्र है हिरणा कश्यप हिरणा हिरणाशक्य जिसको भगवान विष्णु के वरण अवतार के दौरान माना गया और हिरण कश्यप को भगवान विष्णु के श्री नरसिम्हा अवतार के दौरान मारा गया अदिति की पुत्री थी जिसका नाम होलिका था होलिका की कहानी आप सब लोग जानते ही हैं को ये बोला गया को कि इज वेरी मीन एंड टू ऋषि ऋषि कश्यप एंड अदिति के साथ भी जो कि उसकी रियल बहन थी और कश्यप ऋषि की तेरह बीवियों में एक और बीवी थी है दिति और असुरों की माता मानी गई थी और दि को दी असुरों की माता मानी गई वहीं पे अदिति जो है देवताओं की माता मानी गई अदिति की देवता फील्ड भी करेंगे वो दि से पहले आती है वो जब चक्कर को हम राउंड लेंगे तब करेंगे अभी के लिए इज वेरी मीन एंड कुरुल टू ऋषि कश्यप एंड अदिति जो कि खुद की अपनी सिस्टर थी दिति को हमेशा लगता था कि असुरों की पावर बड़े और पीक पे जाए एंड फॉर दैट रीजन शी क्योंकि उनके बेटे जो थे उन्हें देवताओं की पद्धति प्राप्त हुई थी और देवताओं से हमेशा अपने पुत्रों को ऊपर लेके जाने की कोशिश दिति की रहती थी तो शी ऑलवेज लुकिंग टू एम्पावर टेबंस ताकि देवताओं ताकि अश्विरों की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाए दीति की एक और पुत्री शिमिका जो कि राहु की माता के रूप में मानी गई है जिसको कि राहु की माता के रूप में जाना गया है एक स्टोरी के अनुसार दीति वॉज प्रेगनेंट इंद्रदेव उसके गर्भ में दाखिल हुए और उन्होंने उसको पहले सात भागों में काटा और फिर फोर्टीन भागों में काट दिया बस ने रिक्वेस्ट करी और दित्ती ने रिक्वेस्ट करी तो उनको छोड़ दिया जाए उसको उसको नाश नहीं किया जाए उसका नष्ट नहीं किया जाए तो उसको छोड़ा गया भगवान श्री इंद्रदेव ने उसको छोड़ दिया बेस्ड ऑन हर रिक्वेस्ट और वो उसको नाम आया स्टेटस ऑफ गॉड जो मिला उसे वो दिया गया और नाम दिया गया मारुत जिसके विषय में वर्ण पुराण में दिया गया है जिसके विषय में जिसके लिए वर्षिप में दुर्गा पूजा अवतार के अंदर भी हम करते हैं द्वितीय को पताल लोकी देवी के नाम से माना गया है अब पताल लोक के राजा राजा बली थे ये सब पता ही है लेकिन राजा बलि जिस पताल लोग के राजा थे उस पताल लोग की देवी दिति को माना गया है दैट इज हाउ पावरफुल शिवास और दिति के अंदर एक ब्रॉड माइंडेड फार साइटनेस कैपेबिलिटी है जो कि ड्यूलिटी ऑफ माइंड को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करती है जो दृष्टा दृष्टि देख पाती है समझ पाती है बहुत डीपली समझ पाती है जब लोगों को दिखता नहीं है ना दूर का जब लोगों को दूर की देखने की क्षमता वीक हो जाती है जब लोग ये नहीं समझ पाते कि ये उनके लिए ठीक है या गलत है या हाँ करें या ना करें यह द्वितीय की फील्ड की कमी के कारण नजर आती है और जब कन्फ्यूजन होती है दिमाग में तो द्विती की देवताफील्ड इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा निभाती है जिस घर में दिति की देवता फील्ड पे दिति की देवता फील्ड दिति की देवता फील्ड कैसे निकलेगी ये हम देखेंगे आगे बट जिस पे गेट आ जाए यानी कि एंट्री गेट आ जाए उस घर के अंदर फीमेल डोमिनेंट घर पाया जाता है यानी और फीमेल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस घर के अंदर पाया जाएगा दिति की देवता फील्ड पे अगर बेडरूम आ जाता है तो ये माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है इरिटेट करता है सोने नहीं देता दिति की देवता फील्ड पे बेड यानी कि दिति की देवता फील्ड पर बेडरूम देखेंगे हम नहीं हम देखेंगे दिति की देवता फील्ड पे क्या सोते वक्त हेड आ रहा है अभी कैसे कैलकुलेट होगा ये हम निकालेंगे देवता फील्ड तो बहुत बड़ी है लेकिन देवता फील्ड के अंदर होशता कमरा आ जाए होशता कमरे का बेड भी आ जाए बट क्या उस बेड के ऊपर हमारा हेड आ रहा है उस फील्ड में अगर हमारा हेड आ रहा है तो देती की देवता फील्ड हमें डायरेक्टली प्रभावित कर रही है यहां से हम चीजें पकड़ेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि ये बेड ये जो पर्टिकुलर पोजीशन में बैड रखा है और इस पर जो हमारा सिर रखा है ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है हमारे विचारों को डिस्टर्ब कर रहा है और हमें तकलीफ बढ़ा रहा है और यही यहां पे किचन आ जाता है तो हम किचन नहीं देखेंगे हम किचन का चूल्हा देखेंगे तो ये अगर यहां पे चूल्हा आ जाता है यहां पे हमें दिक्कत आती है ब्रेन की अलाइनमेंट्स के अंदर क्यों आती है आप समझना बात को चूल्हा आ गया हमारी विजन को आग लग गई तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब है दैट्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब किचन आती है तो तकलीफ पैदा करती है और यहीं पे आप टॉयलेट का लगाओगे आप तो टॉयलेट विजनरी पोजीशन पे विजनरी पोजीशन दिमाग की क्षमता से होती है और दीदी के बाद आपने अभी बात की थी शिखी की शिखी को हमने बोला था भगवान श्री शंकर की चोटी से लेट करते हैं तीसरी आग से लेट करते हैं हम क्षमताओं से होती है ये दोनों देवता फील्ड पे जब गया, ये है। मस्तिक से आती है। और जब मस्तिष्क से प्रॉब्लम आएगी क्यों मस्तिष्क के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया क्यों किया तरीका क्या वो आगे देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इज नॉट द ओनली रीजन नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर चार देवता फील्ड आती है प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर लेकिन उन चारों देवता फील्ड में हमें कौन को उसी देवता फील्ड प्रभावित कर रही है कौन को उसी देवता फील्ड पे प्रॉब्लम बनी हुई है हमने उसको अटैक करना है हमने सारी देवता फील्ड नहीं छेड़नी हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं छेड़ना हमने, हमने उस नॉर्थ फील्ड की उस की देवता फील्ड पे जाके उसके कार्य करने हैं वो स्पेसिफिक वास्तु हुआ है वो जनरल वास्तु नहीं है और यही पर्पज था मेरा आज, आज बताने का कि जो जनरल वास्तु हो रहा है उससे जनरल ही ज्ञान रहेगा हम डिटेलिंग में जाना चाहते हैं डिटेलिंग में सीखना चाहते हैं तो डिटेल्ड वास्तु आने के लिए फाउंडेशन ऑफ वास्तु क्रिएट होना चाहिए देन वी कैन बिल्ड एनी शर्ट ऑफ बिल्डिंग की मैं दो मिनट अपना एक पूरा कर लू टॉपिक देन आई गिव यू टाइम अब दीति की देवता फील्ड को बोला गया दैत्य की माता दैत्यो की माता दैत्यो की माता, माता। नॉर्थ ईस्ट की देवता फील्ड है नॉर्थ ईस्ट का प्लान हमने पता है सबको जुपिटर देवता है गुरुदेव है ये भी हमें पता है लेकिन दीति का प्लान केतु है और जिसको थोड़ी बहुत जानकारी जो रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की जो बहुत अच्छी भी रखते हैं उन सब वो सब रिलेट करते हैं कि केतु जो है उच्च स्तर की भक्ति है और जब हम यहां बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी विजनरी पावर बढ़ती है और दीदी के बाजू में शिकी है और शिकी हुए बैठ के मेडिटेशन करो तो, तो आप तो सिर की चोटी पे ऊपर चढ़ने शुरू हो जाओगे तो क्यों बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम बना दो बैठ के मेडिटेशन करो बिकॉज नॉर्थ ईस्ट पे जब आप पूजा करते हैं तो ये दो देवता फील्ड में से आपको एक देवता फील्ड मिलेगी मिलेगी और जब इस देवता बैठो, बैठोगे तो आपकी केतु कनेक्टिंग टू द गॉड तो आपकी सिर की चोटी से पावर ऊपर जा रही है क्योंकि केतु उसका है जिसकी विजनरी बड़ी स्ट्रांग होती है हमें ज्ञान कौन दिखाता है मार्गदर्शन को देता हमारे गुरुदेव देते हैं गुरुदेव को क्योंकि पहले से अनुभव होता है चीजों का आप लोगों को पहले से अनुभव है तो आप लोग अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं उनको सिखाते हैं बताते हैं या आप लोगों के और जो जो पेशे हैं उनमें सबको ज्ञान देते हैं बताते हैं क्योंकि आपकी विजन वहां पे क्लियर है यू हैव ए क्लैरिटी इन माइंड सो आपका रोल क्या है टीचर इंस्ट्रक्टर सो so, दीती की देवता फील्ड का रोल टीचर और इंस्ट्रक्टर है टीचर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सामने वाले को जितना बताना है उसे दस गुना आपको बताना चाहिए पहले और वो जब भी पता होगा जब आपकी क्लैरिटी सही होगी तो आपको अगर आप इस पेशे में हैं जहां से आपको अपनी क्लैरिटी बढ़ानी है तो आपको फील्ड मिल गई दीति को पढ़ा दो दीति को एम्पावर करो दीति को एम्पावर करने के लिए एक आसान रेमेडी है इलायची सबके घर में छोटी इलायची होती है इलायची की शीशी भर के दीती की देवता फील्ड पे धर दो वहां पे उपस्थित वहीं पे रख दो उसको वहीं से कंज्यूम करो वहीं पे रख दो छोटा सा द्वितीय की देवता फील्ड की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो लोग इस पेशे में हैं उनको उस पेशे से हेल्प होनी शुरू हो जाएगी और यह भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इस फील्ड का रंग पीला है गहरा पीला है तो गहरे पीले रंग की छोटी सी कोई तस्वीर वहां पे लगा दें कुछ भी ना मिले चित्र आपके देवी देवता का लगा दें या आपके गुरुदेव का लगा दें क्योंकि आपके गुरुदेव आपको इंसाइट्स देंगे विजन देंगे तो क्यों बोलते हैं कि देवी देवताओं की वहां पे चित्र लगाओ या पिक्चर लगाओ या पूजा पाठ करें बिकॉज आपको इंसाइट्स प्राप्त हो आपको वहां पूजा करनी है ये करें आप आई एम नॉट डिनाइंग बट एट द सेम टाइम अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे तो आपको जहां से इंसाइटमान करू जी है उनको पूछते हैं कई लोग बुद्ध हैं उनको पूछते हैं कई लोग और गुरुदेव हैं उनको पूछते हैं आप उनको विराजमान करें जहां से आपको इंसाइट मिलनी है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किसको विराजमान करना है संतों की ग्रुप पिक्चर लें उसको पेस्ट कर दे वहां पे आपको वहां से बेनिफिट आने शुरू हो जाएगी